नमस्कार, मैं सुमित्रा, आप देख रहे हैं मैं भारत न्यूज। आरएन डालते हैं ताज़ा खबरों को फटाफट अंदाज में। राजधानी लखनऊ के गुमती नगर इलाके में रईस जादू ने बीती रात युवतियों की गाड़ी का पीछा कर उनसे छेड़छाड़ की। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य दो की तलाश जारी है। बलरामपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला काउंसिल ने प्रदर्शन किया, जहां सरकार विरोधी नारे लगाते हुए कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में विरोध जताया और राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी को 18 सूत्री ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कार्यकर्ता केंद्र और योगी सरकार की तमाम नीतियों से काफी नाराज दिखाई दिए। हरिद्वार के भगवानपुर इलाके के एक इंटर कॉलेज में टीचर ने कक्षा 3 के छात्रों को बुरी तरह पीट दिया। इसके बाद छात्रों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई। वहीं आक्रोशित परिजनों ने स्कूल में जमकर हंगामा काटा। बलरामपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जहां 65 जोड़ों ने धार्मिक रीति रिवाजों के साथ साथ फेरे लिए। वहीं कार्यक्रम में सदर विधायक पलटू राम और ब्लॉक प्रमुख मौजूद रहे। हरदोई के सनीला इलाके में एक अनियंत्रित बोलेरो कार पहले बाइक से टकराई, फिर जाकर जनरल स्टोर में घुस गई। वहीं इस दौरान आसपास खड़े लोग बाल बाल बच गए। औरैया में बाइक से जा रहे भाई बहन के साथ बदमाशों ने दिन दहाड़े तमंचे के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद 3 टीमें गठित कर जल्द घटना के खुलासे का दावा किया जा रहा है। प्रतापगढ़ के देलहूपुर इलाके में दबंगों ने चाचा भतीजे के पैर में गोली मारकर उन्हें घायल कर दिया। इसके बाद आनंद फानंद में घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। वहीं दूसरी ओर पुलिस जांच कर कार्रवाई की बात कर रही है। फरुखाबाद में परिवार को दबंगों ने घर से उसकी बेटी उठा ले जाने और जिंदा जलाने की धमकी दी। इसके बाद दरे सहमे परिवार ने SP ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। परिजनों ने बताया कि दबंग उनकी 14 साल की बेटी से शादी करने का दबाव बना रहा है। इसके अलावा परिवार ने राजपुर पुलिस पर कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाया है। हरदोई में सब्जी व्यापारियों ने सड़क पर जमकर हंगामा काटा। दरअसल हरदोई के लखनऊ रोड स्थित थोक सब्जी मंडी के बाहर SDM ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। इसके अलावा सब्जी व्यापारियों को भी हिरासत में ले लिया। वहीं इस दौरान पुलिस ने कई लोगों को डंडा लेकर दौड़ा भी लिया। फरुखाबाद में नवाबगंज नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी पार्टी की ओर निहार रहे हैं। वही सीट पर प्रत्याशी सुशील कुमार पाल और पुष्पेंद्र पाल दोनों ही बसपा की टिकट की दावेदारी करते दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि कोई पैसे के दम पर टिकट लेना चाहता है तो किसी ने जन समर्थन का दावा किया है। प्रतापगढ़ के कुंडा कोतवाली इलाके में पति से झगड़े के बाद पत्नी ने जहर खा लिया। इसके बाद महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुरादाबाद में एंटी करप्शन टीम ने चकबंदी विभाग के लिपिक को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी लिपिक यशवंत सिन्हा ने जमीन की दाखिल खारिज कराने के नाम पर रिश्वत ली थी। प्रतापगढ़ में खेत की सिंचाई करते समय करंट की चपेट में आने से किसान पिता पुत्र की मौत हो गई। किसान ने खेत के किनारे छुट्टा जानवरों से फसल को बचाने के लिए तार में करंट दौड़ाया था। वहीं पिता पुत्र की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। फिरोजाबाद में अवैध शराब पकड़े जाने के बाद थाने पर एकत्रित हुई शराब को नगला खंगर पुलिस द्वारा विनिष्टीकरण कराया गया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। CEO सिरसागंज कमलेश कुमार ने बताया कि जिले भर में कहीं भी अवैध शराब की बिक्री या शराब की भट्टियां चलते हुए पाई जाती हैं, वहां पुलिस छापामार कार्रवाई करते हुए जब्तीकरण करती है। बरेली में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में डिजिटल कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं। एक छात्र ने बताया, यहाँ पर वीडियो के जरिए हम हिंदी अंग्रेजी पहाड़े और अच्छे से सीख पा रहे हैं, हमें ये कक्षाएं अच्छी लगती हैं। दिल्ली में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके आवास पर मुलाकात की। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बती और स्थानीय लोगों ने तवांग में भारत चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प को लेकर चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में 17 साल की लड़की पर हुए एसिड अटैक के बाद कंगना रनौत के पुराने जख्म ताजा हो गए हैं। उनकी बहन रंगोली चंदेल पर एसिड अटैक हुआ था। कंगना ने इंस्टा स्टोरी में बहन और हादसे के बाद अपने दर्द और संघर्ष को बयां किया और एसिड अटैकर्स के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की है। अर्जेंटीना के स्टार स्ट्राइकर लियोनल मेसी ने साफ कर दिया है कि वो अपना आखिरी वर्ल्ड कप मैच खेलेंगे, जब अर्जेंटीना दोहा में रविवार को होने वाले फाइनल में फ्रांस या मोरक्को से भिड़ेगा। इंग्लैंड के पूर्व स्टार वायन रूनी ने कहा कि ये मेसी का आखिरी वर्ल्ड कप है और वो उसी तरीके से उसे खेल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में आज गोल्ड लाल निशान पर ट्रेंड कर रहा है। चांदी के प्राइस में भी गिरावट दर्ज की गई है। आज सोने का प्राइस में कल के मुकाबले 0.4% की गिरावट के बाद $1,809 प्रति औसत पर कारोबार कर रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी बड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें माई भारत न्यूज़।